शिवपुरी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 12वीं के एक छात्र ने अपने ही घर में चोरी की वारदात कर डाली। छात्र अपने ही घर में 34.5 लाख रुपए लेकर दोस्त के साथ भाग गया। छात्र के पिता ने घटना से एक दिन पहले ही खेत बेचा था, इसी सौदे से मिला कैश घर में रखा था। शनिवार को पुलिस ने ग्वालियर के गेस्ट हाउस से उसे पकड़ लिया। उसके पास से 33 लाख रुपए मिले हैं, 30 हजार रुपए उसने खर्च कर दिए, बाकी रकम दोस्त लेकर भाग गया। छात्र ने बताया कि वह मुंबई गोवा जाने की तैयारी में था, वहां इन पैसों से अय्याशी करनी थी। शिवपुरी के पोहरी में रहने वाले दिनेश सिंह कुशवाहा पेशे से किसान हैं। वह यहां बेटे गोलू कुशवाहा और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। गुरुवार को उन्होंने अपना खेत 36 लाख रुपए में बेचा था। पूरी डील कैश में हुई थी, इसमें से 1.5 लाख रुपए उन्होंने किसी को दे दिए थे। जमीन बेचने पर मिले बाकी रुपए घर पर ही रख लिए थे। इन रुपयों से दिनेश को दूसरी जगह जमीन खरीदनी थी। शुक्रवार दोपहर गोलू घर से लापता हो गया। बेटे की तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिला। पता चला कि वह घर में रखे 34.50 लाख रुपए भी वह अपने साथ ले गया। परिवार वालों ने तुरंत पोहरी थाना पुलिस से शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। शनिवार सुबह छात्र की लोकेशन ग्वालियर के पड़ाव क्षेत्र में मिली। शिवपुरी पुलिस ने मामले की सूचना ग्वालियर पुलिस को दी। इस पर ग्वालियर एसएसपी अमित सांगी ने तत्काल थानों को अलर्ट किया। पड़ाव स्थित गेस्ट हाउस, धर्मशाला व होटलों में छानबीन करने को कहा गया। पड़ाव पुलिस ने होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशाला में तलाशी शुरू कर दी। शनिवार दोपहर गोलू कुशवाहा निधि गेस्ट हाउस में आराम करता मिला। उसके पास से बैग मिला, इसमें करीब 33,20,000 रुपए रखे मिले। खबर मिलते ही शिवपुरी से पोहरी थाना पुलिस की टीम सब इंस्पेक्टर विनोद यादव ने नेतृत्व में ग्वालियर पहुंची और छात्र को लेकर पोहरी लौट गई। गोलू ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि उसके दोस्त ने उससे कहा था इतने पैसों से मुंबई और गोवा पहुंचकर मजे करेंगे, इसके बाद मुंबई में सेटल हो जाएंगे। दोस्त गेस्ट हाउस में ठहरा कर कहीं चला गया और लौट कर नहीं आया, वरना पुलिस के पहुंचने से पहले वह निकल गए होते। एएसपी क्राइम राजेश दंडौतिया ने बताया कि घर से रुपए लेकर आया छात्र गेस्ट हाउस में मिल गया। उसके पास से करीब 33 लाख रुपए भी मिले हैं। उसके परिजन व शिवपुरी पुलिस को सूचना दे दी है। पोहरी थाना पुलिस छात्र को ले गई है। वह हमारे यहाँ के एक निजी गेस्ट हाउस में उस बालक को मैं 33 लाख रुपए के नकद के पकड़ा है और इस संबंध में शिवपुरी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।